Hello and welcome to mentoring the mentors an institute that accelerates your learning hub. My dear educators, this is मीनाक्षी Narula. जैसा कि मैं आपके साथ अलग अलग जो करिकुलम है रिलेटेड टू डिफरेंट subjects नाइन्थ और टेंथ क्लास के वो मैं डिस्कस कर रही हूँ तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा नौवीं और दसवीं का जो हिंदी का सिलेबस है कोर्स ए के लिए वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसके अंतर्गत हमें क्लास में क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है क्या हमसे सो नीति दो नीति 2020 तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमें बार बार टम टाइम पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि हमें दक्षता आधारित शिक्षा यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है कला समेकित अधिगम यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग उसकी बात की गई है, अनुभव यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन सब तरीकों के द्वारा हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है उसकी बात की गई है तो जो कि शिक्षार्थियों की, की प्रतिभा को उजागर करने में खेल खेल में सीखने यानी प्ले वे मैथड जो हमारा लर्निंग का है उसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया है उसके ऊपर बल दिया गया है और इसके साथ आनंद पूर्ण ज्ञान अर्जन आनंद पूर्ण ज्ञान कब होगा जॉयफुल लर्निंग जब टीचर खुश होकर पढ़ाएगा जब बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे जब वो पता नहीं चलेगा कि जॉयफुल लर्निंग में कैसे हमने सीख लिया और क्या कर लिया विद्या अर्जन के विविध तरीकों को अपनाने तथा अनुभव के द्वारा सीखने पर बल दी गई है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखने के ऊपर राइट सो दक्षता आधारित शिक्षा क्या है हमने अभी डिस्कस किया कि उसका मतलब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सीखने और मूल्यांकन करने का एक ऐसा दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी को सीखने के प्रतिफल और विषय में विशेष दक्षता को प्राप्त करने पर बल देता है कि पर्टिकुलर जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो बच्चे की डेवलप हो जाए दक्षता क्या है कॉम्पिटेंसी क्या है वो क्षमता है वो कैपेबिलिटी है वो कौशल है वो स्किल है वो ज्ञान है वो नॉलेज है वो दृष्टिकोण या वो प्रस्पेक्टिव है जो व्यक्ति को वास्तविक जीवन में कार्य करने में सहायता करती है डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज करते हैं इसके लिए आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की एक अलग से वीडियो भी है मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं इससे शिक्षार्थी ये सीख सकते हैं कि ज्ञान और कौशल को किस प्रकार प्राप्त किया जाए राइट right? ज्ञान और कौशल नॉलेज और उसके साथ में हमारा क्या है स्किल आ जाता है ठीक है उसको किस तरीके से हम हमारे जो बच्चे हैं वो अर्जित कर सकते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अनुभव के आधार पर वास्तविक जीवन के जो हैं राइट तो इसके लिए उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर विशेष बल देने की आवश्यकता है अब ये उच्च स्तरीय चिंतन कौशल क्या है ये हमारे एच ओ टी एस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं ठीक है ठीके? जो हम ब्लूम्स एक्सोनमी में बच्चों को एनालिसिस वैल्युएशन और क्रिएशन लेवल तक पहुंचाते हैं ठीक है उस हॉट्स की बात हो रही है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की बात हो रही है और कला समेकित अधिगम आर्ट इंटीग्रेशन कब से बात कर रहे हैं आर्ट के थ्रू पढ़ाना है बच्चों को कला के थ्रू पढ़ाना है कला और आर्ट का एकीकरण करना है को शिक्षण अधिकम प्रक्रिया में सुनिश्चित करना अत्यधिक आवश्यक है कला के संसार में कल्पना की एक अलग ही उड़ान होती है कला एक व्यक्ति की रचनात्मक अभिव्यक्ति है कला समेकित अधिकम से तात्पर्य है कला के अलग अलग जो रूप हैं, कला का मतलब सिर्फ एक कागज पेपर कलम रंग लेकर वो कला करना ही नहीं है वो चित्र बनाना ही नहीं है नृत्य है नाटक है कविता है रंगशाला यात्रा मूर्ति कला आभूषण बनाना गीत लिखना नुक्कड़ नाटक कोलाज पोस्टर कला प्रदर्शनी मतलब अलग अलग तरीकों को जो है वो शिक्षा के प्रोसेस का एक अभिन्न अंग बनाना अभिन्न हिस्सा बनाना वो है हमारा कला का एकीकरण करना किस विषय को आरंभ करने के लिए कोई आइस ब्रेकिंग गतिविधि आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी के रूप में कला को यूज कर लिया राइट तो मतलब इस तरीके से बच्चों को समझाया कि बहुविषयक परियोजनाओं इंटीग्रेटेड लर्निंग अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर लिया कला के समेकित अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए इससे पाठ रोचक हो जाएगा देखिए बोलते बोलते सुनते ही हमें कितना उसमें रुचि आ रही है तो अनुभवात्मक अधिगम का मतलब तो यही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें का उद्देश्य शैक्षिक वातावरण को शिक्षार्थी केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड लर्नर सेंटर लर्निंग की बात हो रही है इसके साथ स्वयं मूल्यांकन करें बच्चा स्वयं मूल्यांकन करे इसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग आलोचनात्मक रूप से सोचे क्रिटिकल थिंकिंग निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज्ञान का निर्माण करना कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज नॉलेज को ये नहीं कि पढ़ा और दूसरों को आगे वो चीज बोल दी कंस्ट्रक्ट करें अपनी नॉलेज बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग अपने ज्ञान के बल पर अपनी समझ के बल पर वो एक नया ज्ञान जो है वो कंस्ट्रक्ट करें अपना जो उत्तर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो लिखे हैं कि उसके तरीके से वो बताएं, ज्ञान अर्जन अनुभाविक ज्ञान अर्जन सहयोगात्मक तथा स्वतंत्र रूप में होता है कोऑपरेटिव लर्निंग इंडिपेंडेंट लर्निंग कैसे भी बच्चा करे कोलैबोरेटिव लर्निंग ये शिक्षार्थियों को एक साथ कार्य करने तथा स्वयं के अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है यह सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को कम करता है सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत क्या है हमारे प्रिंसिपल्स व्यवहार क्या है जो हम उसको अप्लाई करते हैं नॉलेज को माध्यमिक स्तर तक आते आते विद्यार्थी किशोर हो जाता है हो जाता है सुनने बोलने पढ़ने लिखने के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि बनने लगती छोटे बच्चों की भी हमारी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी है वो क्रिटिकली व्यू करते हैं चीजों को भाषा के सौंदर सौंदर्यात्मक सॉरी पक्ष जो है उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो Uh, कथा स्टोरी नरेशन करते हैं हम जो uh, गीत गाते हैं उसका है, स्पेशियल अर्निंग है प्रिंट की भाषा की समझ शब्द शक्तियों की समझ राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना का जो विकास है स्वयं की असीमता का संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार उपयोग भाषा का प्रयोग शब्दों का सुचिंतित प्रयोग कौन से शब्दों को कहाँ प्रयोग करना है ब्यूटीफुली यूज करना है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति आदि से विद्यार्थी परिचित हो जाता है इतना ही नहीं वह विविध विधाओं और अभिव्यक्ति की अनेक शैलियों से भी परिचित हो चुका होता है कि किस शैली का कहाँ प्रयोग करना है अब विद्यार्थी की जो दृष्टि है वो आस पड़ोस राज्य देश सीमा की को भी लांगते हुए जो है वैश्विक क्षितिज ग्लोबल सिटीजनशिप की जहां पर बात करते हैं वहां तक फैल जाती है इस तरह बच्चों की जो दुनिया है उसमें समाचार खेल फिल्म अलग अलग जो कला है उनका समावेश हो जाता है पत्र पत्रिकाएं राइट अलग अलग तरह की किताबें वो भी उसमें प्रवेश पा चुकी होती हैं इस स्तर पर मातृभाषा हिंदी का जो अध्ययन है साहित्यिक सांस्कृतिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में कुछ इस तरह से हो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों की ये पहचान आत्मविश्वास विमर्श की भाषा बन सके प्रयास ये भी हो कि विद्यार्थी भाषा के लिखित प्रयोग के साथ साथ सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में भी सक्षम हो सके तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लिखित प्रयोग के साथ साथ सिर्फ राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस नहीं करना है राइट उसका जो मौखिक अभिव्यक्ति है बोलने का वो जो तरीका है जो लहजा है जो अलग अलग शैली का प्रयोग करना है उसमें भी विद्यार्थी पूर्ण रूप से वो सक्षम हो जाए तो इस पाठ्यक्रम के अध्ययन में क्या क्या करना है हमने विद्यार्थी अगले स्तरों पर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार हिंदी की पढ़ाई कर सकेंगे और हिंदी बोलने में लिखने में वो सक्षम हो सकेंगे हम उनकी एल एस आर डब्ल्यू स्किल्स को वर्क कर रहे हैं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग अपनी जो भाषा की दक्षता के चलते उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान समाज विज्ञान अन्य के साथ सहज संबंधता आई I मीन mean, कि आपका सोशल साइंस साइंस जो अलग और भी हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे लैंग्वेजेस को दैनिक जीवन व्यवहार के विविध क्षेत्रों में हिंदी के औपचारिक अनौपचारिक उपयोग की दक्षता हासिल कर सकेंगे हिंदी को डेली लाइफ में अलग अलग क्षेत्र में अलग areas, अलग एरिया अलग अलग फील्ड में फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में कैसे उसको यूज करेंगे उसको पूरे अच्छे से समझाएं ये हमारा ऑब्जेक्टिव है भाषा प्रयोग के परंपरागत परंपरागत ट्रेडिशनल जो हमारे तौर तरीके एवं विधाओं की जानकारी कैसे हम परंपरागत जो हमारे तरीके हैं ट्रेडिशनल वेस हैं और उसके समसामे के संदर्भों की समझ विकसित हो सके आजकल के जो नया ट्रेंड है उसके साथ वो कैसे वो कनेक्ट कर पाए उसको समझ सके देखिए मैं हिंदी को इंग्लिश के साथ साथ कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं खुद भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ अपने टीचर्स को भी समझाना है और अगर आपके किसी काम आ सके तो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू इट हिंदी भाषा में दक्षता का इस्तेमाल दक्षता इज कॉम्पिटेंसी ओके okay? का इस्तेमाल में अन्य भाषा संरचनाओं की समझ विकसित करने के लिए कर सकेंगे मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं किसी शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ आई नो आप तो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो मेरी वीडियो अभी देख रहे होंगे तो क्रिटिकली उसको रिव्यू भी करेंगे मैं इसको अपनी समझ के लिए कर रही हूँ कि किस तरीके से किस चीज को मैंने कहाँ इंटीग्रेट करना है अगर मेरा एक्सपीरियंस साइंस में है तो मैं देख रही हूँ मैं हिंदी के साथ कैसे उसको रिलेट कर पाऊँ तो समझना तो हर एक को चाहिए हिंदी का जो जो स्ट्रक्चर ये जो करिकुलम या जो पैटर्न दिया गया है वो सिर्फ हिंदी के टीचर्स को ही नहीं पढ़ना है बाकी टीचर्स को भी पढ़ना है तो ठीक है ये हम अभी बात कर रहे थे अगर हम बात करते हैं कि दृश्य श्रव्य मल्टी विविध प्रिंट माध्यमों से प्रसारित सूचनाओं को समझना विश्लेषित करना और प्रेषित कर सकेंगे कि वो अलग अलग चाहे हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं मल्टीमीडिया एड्स हैं प्रिंट माध्यम है उनके द्वारा वो उसको समझ सकेंगे इंटीग्रेट कर पाएंगे कि कैसे जो है वो उनकी नॉलेज को वो किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करते हैं कैसे उसको को रिलेट करते हैं डिफरेंट हमारे डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ में अब कक्षा आठवीं तक अर्जित भाषिक क्वेश्चनों सुनना बोलना पढ़ना लिखना एल एस आर डब्ल्यू राइट उनका विकास करना वो तो जब हम कोई भी भाषा पढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि चारों स्किल के ऊपर फोकस करें ये नहीं कि सिर्फ लिखना ही सिखाना है या सिर्फ पढ़ना ही सिखाना है बोलना और उसको बड़े अच्छे तरीके से सलीके से बड़े सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए लोकोकितियों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अपनी भाषा को जो है वो सुंदर बनाए राइट वो हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड सृजनात्मक uh, साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास क्रिटिकल थिंकिंग इवेल्युएशन स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास किस तरीके से फ्रीली बच्चे अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी जो ओरेटरी स्किल्स हैं उनकी बड़े अच्छे से डेवलप करनी है हमने ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं शंका का बोध कराना कि अलग-अलग जो हमारे ज्ञान के अनुशासन हैं यानी सब्जेक्ट्स हैं यानी डिसिप्लिनस हैं जो अलग-अलग विषय हम पढ़ाते हैं तो उसमें हिंदी को किस तरीके से वो उसका प्रयोग है उसको कैसे करेंगे एंड साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का, का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं राष्ट्रीयता धर्म जाति लिंग भाषा के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील आचार विचार का विकास भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं की सांस्कृतिक विविधता से परिचय कि किस तरीके से ये आ, हमारी हिंदी भाषा संस्कृत साथ कैसे रिलेट करें और जो विदेशी भाषाएं हैं उनकी विविधता उसके लिए रिस्पेक्ट आदर सम्मान हर भाषा के लिए हो ये उनमें डेवलप करना और व्यवहारिक और दैनिक जीवन में विविध अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास करना संचार माध्यम जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है ई मीडियम e है चाहे वो प्रिंटेड हमारी बुक्स हैं कोई भी कोई चीजें अलग अलग प्रिंटेड हमारे पास फॉर्मेट हैं उसमें प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नवीन भाषा प्रयोग करने की क्षमता से परिचय कराना राइट right? तो इस चीज के लिए क्या है मल्टीमीडिया सोशल मीडिया पॉडकास्ट ब्लॉग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस में नहीं है सिर्फ साइंसेस सोशल साइंसेस में नहीं है ये हमें हिंदी भाषा में भी उनको इनको यूज करने के लिए सिखाना है विश्लेषण और तर्क की क्षमता का विकास एनालिसिस करना क्रिटिकली उसको रिव्यू करना राइट right? एंड भावा भाव भक्ति क्षमताओं का विकास की जो हमारी इमोशंस हैं, अफेक्टिव डोमेन की यहाँ पर बात हो रही है तो उसके ऊपर हमें focus करना, मतभेद विरोध टकराव की परिस्थिति हो सकती है कभी भी मे भी भाषा को संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास करना से ये भी अफेक्टिव डोमेन है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं मतभेद हो जाते हैं नेचुरल है, है? ठीक है उसमें भी क्या करना है या विरोध हो जैसी भी परिस्थिति हो हर एक परिस्थिति में जो भाषा का प्रयोग है भाषा का जो इस्तेमाल है वो संवेदनशील शांति रूप से उसका करना है एंड भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति की समझ और व्यवहार का विकास ठीक है वो बच्चों को समझाना तो शिक्षण की जो युक्तियां हैं हमने वो इसमें क्या यूज करनी है विद्यार्थी द्वारा दी जा रही की जा रही गलतियों को भाषा के विकास के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी अबाध रूप में बिना झिझक के लिखित मौखिक अभिव्यक्ति करने में उत्साह का अनुभव करें विद्यार्थियों पर शुद्धि का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए कि वे तनाव महसूस करने लगे उन्हें भाषा के सहज कारगा रचनात्मक रूपों से इस तरह परिचित कराना उचित है कि वे स्वयं सहज रूप से भाषिक योग्यताओं का विकास कर सके इसे कितना ब्यूटिफुली इसमें ये चीज लिखी हुई है कि हमेशा मात्रा ठीक है ब्यूटी उसकी हमें जो ग्रामेटिकल है जो हमारा पूरा हमारी जो देवनागरी लिपि हम उसको यूज करते हैं उसका समझ पूरी आनी चाहिए वो शुद्ध रूप होना चाहिए पर उसका दबाव बच्चों पर इस तरीके से ना करें धीरे धीरे समय के चलते बड़े अच्छे से वो सीख जाएंगे पर अगर उसमें कुछ गलती भी करते हैं तो आपका अगर फोकस बच्चों की राइटिंग स्किल्स के ऊपर है बच्चा कुछ क्रिएटिवली लिख रहा है तो फोकस वहां से हट कर, वो भाषा की शुद्धि पर नहीं चले जाना चाहिए ये आपको चीज ध्यान में रखनी है विद्यार्थी स्वतंत्र और आबाद रूप से लिखित मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करे फ्री होना चाहिए सेल्फ पेस्ट लर्निंग होनी चाहिए अधिगम बाधित होने पर अध्यापक अध्यापन शैली में परिवर्तन करे जब आपको जरूरत हो आपको लगे कि डिफरेंशियल लर्निंग आपको चलना है तो आपको बच्चे को कोई चीज समझा नहीं पा रहे तो आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में चेंज लाना है अस टीच आवर स्टूडेंट द वे अंडरस्टैंड वे अंडरस्टैंड द वी टीच ऐसे शिक्षण बिंदुओं की पहचान की जाए टीचिंग स्ट्रैटी जिनसे कक्षा में विद्यार्थी निरंतर सक्रिय भागीदारी कर सके उनका कांस्टेंट कोलैबोरेशन एक्टिवली उसमें वोट पार्टिसिपेट करें और अध्यापक भी इस प्रक्रिया में उनके साथी बने इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दैट इज आई डू वी डू यू डू पहले एक टीचर अगर उनको कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करता है कविता का उच्चारण कैसे करना है शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ठीक है इसको आपने कविता को कंठस्थ कर लिया है किस तरीके से आप लैबित तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करेंगे बताएं उनको मॉरल मॉडल रीडिंग करें ठीक है और उसके बाद में वो विद्यार्थी एक साथ करें या टीचर जो है वो बच्चे के साथ करे मिलकर उसके बाद बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली करे इस तरीके से उनको उसके फोल्ड करते हुए उनको इस लेवल तक लेकर आना है ठीक है और हर भाषा का अपना व्याकरण होता है सबको पता है भाषा की इस प्रकृति की पहचान कराने में परिवेशगत पाठगत संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए ये पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं को शोध करता समझे तथा अध्यापक इसमें केवल निर्देशन करें टीचर का रोल मेंटोर का फैसिलिटेटर का है बच्चा उसमें खुद देखे कि ये मेरी गलतियां हैं मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं इसके लिए मुझे आगे कौन से स्टेप लेने की जरूरत है हिंदी में क्षेत्रीय प्रयोगों अन्य भाषाओं के प्रयोगों के उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि ये प्रयोग विभेदीकरण नहीं उत्पन्न करते हैं बल्कि लिपि भाषा के समावेशी रूप स्वरूप को पुष्ट करते हैं और उसका परिवेश अनिवार्य रूप से बहुभाषिक होता है अलग अलग क्षेत्रीय जो उसके रूप हैं हिंदी के देखिए खड़ी बोली है मेरे को तो इतने मुझे भी नहीं पता है ठीक है जो अलग अलग उसके रूप हैं तो उनको भोजपुरी हो गया या कितने डायलेक्ट्स होते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करें और देखें कि उनको किस तरीके से शब्दों को अलग अलग भाषा में अलग अलग डायलेक्ट्स में यूज किया जाता है तो उसका रिस्पेक्ट करें वो जो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं राइट बहुभाषिता की बात कर रहे हैं भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों अलग अलग लर्निंग स्टाइल कर लें अलग अलग उनको कैपेबिलिटी कर लें उनका टैलेंट कर लें उनका स्किल कह रहे हैं उनका जो भी जिस तरीके भी शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग ना समझा जाए हर बच्चा यूनिक है हर बच्चा स्पेशल है उनको इक्वल आपको वेटेज देनी है इक्वल इंपॉर्टेंस देना है किसी तरीके से उनको भेदभाव नहीं करना आपके पास में कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग और रीजन से आते हैं जो हिंदी में हो सकता है थोड़ा सा कमजोर हूं उनका हाथ पर उनको ये जताना नहीं है आपको कि वो उनसे कम है या ऐसा है कोई बात नहीं धीरे धीरे सेल्फ पेस लर्निंग है वो सीख जाएंगे ठीक है आप हो जब सिखाने के लिए तो देविल कक्षा में अध्यापक को हर वर्ग की विविधताओं लिंग जाति वर्ण धर्म के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील वातावरण निर्मित कराना चाहिए लिंग आधार 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 पर 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 जाति के 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 वर्ग धर्म कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए काव्य भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए जरूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की लयबद्ध प्रस्तुति, प्रस्तुतियों कि ऑडियो वीडियो कैसेट तैयार करें अब कैसेट अगर नहीं हो सकती है फ्लिपग्रेड है बहुत सारे हम आपके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हम उसके ऊपर करिए आई मीन उनका मतलब तो यही है ना कि उनका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो बच्चे उसको करें हर एक कविता जो आपके सिलेबस में है मेक श्योर आप बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म करे उसको रिकॉर्ड करे उसको प्रेजेंट करें असेंबली में कराइए जरूरी नहीं कि हर काम घर के लिए देना है डिफरेंट एक्टिविटीज कराइए उसके साथ रिलेट करके उसको कराइए अगर आसानी से कोई गायक गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए बुलाइए किसी को अगर गाय गायिका को बुला सकते हैं तो नहीं तो बच्चों को ही इस लेवल पर उनके लिए आपके म्यूजिक टीचर हैं स्कूल में उनके थ्रू आप करवाइए राइट तो इसके अलावा आप कहते हैं कि बहुत सारे हमारे पास सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पाठ्य चर्चा पाठ्यचरा के साथ संलग्न के रूप में उपलब्ध हैं जो शिक्षक द्वारा दक्षता आधारित शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूप से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है जो शब्द मुझे नहीं प्रनाउंस करने आते ना आप मुझे सिखाइएगा ठीक है पर मैं तो इसको समझ रही हूं कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है राइट उसका जस्ट समझ रहे हैं ये तो अभी आपने भी पढ़ा ना कि इसी को कमजोर ना समझे ना किसी को जताए कि वो कमजोर है ठीक है तो ये हमें इस चीज को समझना है शिक्षा मंत्र मंत्रालय के विभिन्न संगठनों तथा तो स्वतंत्र सव, निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य कार्यक्रम ई सामग्री फीचर फिल्में है हमारे शिक्षण सामग्री उसको हम यूज करें अपनी डेवलप करें या ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है आप उसको यूज करें ठीक है और इसके अलावा क्या है कक्षा में सिर्फ पाठ्यपुस्तक की उपस्थिति से बेहतर होगा कि शिक्षक के हाथ में तरह तरह की टीचिंग एड्स हों ठीक है बच्चों को दिखाएं और बच्चों को बोलें कि टीचिंग एड उनके साथ मिलकर आप डिवेल्प करें ठीक है एंड भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया में बनती है इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद ये सिखा सके कि वे भी शब्द कोश साहित्य कोश संदर्भ ग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं रेफर करें इन डिफरेंट बुक्स को इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर जो तत्परता है एक्साइटमेंट है वो बढ़ेगी अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ कर तक पहुंचकर संतुष्ट होने की जगह अर्थ की खोज करने के लिए प्रेरित हो ये नहीं की हमने एक चैप्टर पढ़ा है हम यही करते ना सुबह सुबह न्यूज पेपर भी जब रीड करते हैं जरूरी नहीं है कि जिस भाषा में हम पढ़ रहे हिंदी है इंग्लिश है उसमें बहुत बार हमें कुछ शब्दों के मीनिंग नहीं आ रहे होते जब हम फ्लुएंटली रीड करते हैं तो उसका एक मंत्र तो यह है कि जो उसका करीबी मीनिंग आपको समझ में आ रहा है वो समझ बस आप पढ़ लो आपको समझ में आ जाना चाहिए पर हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को वहां तक सीमित रखना नहीं है अगर बच्चा उस शब्द का निकटतम मीनिंग समझ सकता है उसको गैस कर सकता है तो उसके साथ में फिर उसको ये भी बताया जाए कि वो इन डिक्शनरीज का प्रयोग करके इनको रेफर करके देखे कि इसका स्टीक इसका अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो वहां तक हमें बच्चों को लेकर जाना है तो उसके लिए हमें एनकरेज करना है उनको कि डिक्शनरीज को यूज करें श्रवण व वाचन मौखिक बोलना संबंधी योग्यताएं सुनने से रिलेटेड कौन कौन सी हमने जो कौशल है वो हमने डेवलप करने हैं ठीक है वर्णित या पठित सामग्री वार्ता भाषण परिचर्चा वार्तालाप वाद विवाद कविता पाठ ठीक है हम उनके टॉक शोज करा सकते हैं डिबेट करा सकते हैं राइट आ, उनको स्पीच डेवलप करने के लिए डेवलप करने के लिए बोल सकते हैं पोइम रेसिटेशन हो गया ये सब चीजें हम क्लासेस में कंडक्ट कराएं ठीक है उसके अलावा आप बच्चों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म दें कि वो जो भाषा में अलग अलग उसकी शैली है जो उसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है वो उसको समझे चाहे उसमें व्यंग्य है चाहे क्या है राइट आ, वैचारिक मतभेद होने पर भी वक्ता की बात को ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक शिष्टाचार से साथ सुनना व वक्ता के दृष्टिकोण को समझना बहुत बार क्या होता है डिबेट्स होती हैं आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं उसमें फिर कई बार मतभेद होने पर जो है वो माहौल एक बार ऐसा हो जाता है कि अपनी जो खो बैठते हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए हमें उनको वो वो स्किल्स जो डेवलप करनी है ज्ञान अर्जन मनोरंजन व प्रेरणा ग्रहण करने हेतु सुनना कि सुन रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ज्ञान अर्जन करना राइट मोटिवेशन होना चाहिए अपने अंदर में सुनने के लिए समझने के लिए सीखने के लिए राइट right? तो आलोचनात्मक जो विश्लेषण करना और सुनकर उसका सार ग्रहण करना कि कहना क्या चाहते हैं उसका जिस्ट क्या है वो समझे क्रिटिकली वैल्युएट भी करें पर उसको समझें ठीक है उसका एक तरीका समझें तो श्रवण सुनना वाचन बोलना का प्रशिक्षण कुल पांच अंग पांच अंक है इसके ढाई और ढाई ठीक है सुनने के और बोलने के परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा अनुच्छेद तथ्यात्मक सुझावात्मक हो सकता है अनुच्छेद लगभग सौ से डेढ़ सौ शब्दों का होना चाहिए या फिर जो परीक्षक है एक से दो मिनट का ऑडियो क्लिप भी सुना सकता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है अंश रोचक होना चाहिए तथ्य घटना पूर्वक एवं स्पष्ट होना चाहिए वाचक का उच्चारण शुद्ध स्वस्थ और विराम चिन्हों उचित प्रयोग सहित होना चाहिए तो ये पढ़ना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है मैंने तो देखा नहीं है दूसरों को चीजें करते हुए तो we need to learn it. तो, तो परीक्षा ऑडियो क्लिप को सुने सुनने के पश्चात परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अपनी समझ से मौखिक उत्तर देंगे राइट सुनेंगे और वो बोलेंगे तो फिर ये ढाई और ढाई ऐसे पांच कराना है ये मैंने तो कराना है ठीक है तो जो मेरे टीचर अभी देख रहे हैं तो सुन लें दिस इज टू बी डन राइट जो नहीं कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर आप करिए तो मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ एक पर्टिकुलर हिंदी के शब्द हैं देखिए दसवीं कक्षा तक मैंने हिंदी पढ़ी है उसके बाद नहीं पढ़ी है तो फिर दिक्कत तो हो रही है ना कि ग्यारहवीं से अगर हमने हिंदी नहीं पढ़ी है दसवीं तक पढ़ी है तो कई शब्द नहीं अच्छे से पढ़ने के लिए आ रहे हैं बट मैं अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ राइट सी ये सब मैं जो पढ़ रही हूँ राइट right, तो इसमें क्या है कि हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले आपकी वीडियो देखने के बाद में आप दोबारा उसको देखें मेरा ऑब्जेक्टिव यह मुझे समझ में आनी चाहिए सबसे पहले अगर किसी और के काम आ सकती है तो सोने पर सुहागा राइट right, और क्या हो सकता है तो कौशलों के मूल्यांकन का आधार क्या है विद्यार्थी में परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझने की सामान्य योग्यता है छोटे So, संबंध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है ये हमारे जो है इसके वेरियस पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ठीक है कि बच्चा किस लेवल पर पहुंचा है ये उसके रूब्रिक्स हैं कौशलों के मूल्यांकन का आधार कि किस लेवल पर हमने बच्चों को असेस करना है जो हमारे नंबर दिए गए हैं पांच में से ढाई ढाई में जो भी हमने करके देखा ना तो उसके अकॉर्डिंगली रूब्रिक्स हैं उसके ठीक है तो इसमें कमेंट्स या टिप्पणी क्या लिखा है परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए ऑब्वियसली विवर विवरणात्मक एक्सप्लेनेशन जो है ना भाषा के विषय के अनुकूल तीनों कालों का प्रयोग अपेक्षित है राइट right? तीनों काल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों रिलेटेड टू द डेली लाइफ राइट कोई चुटकुला कोई हास्य प्रसंग सुनाना हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना राइट शिक्षार्थी को विषय केंद्रित स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करें। तो ये बहुत जरूरी है पठन कौशल सरसरी दृष्टि से पढ़कर पाठ का केंद्रीय विचार ग्रहण करना कि उसका जिस्ट क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है राइट और इसके अभिष्ट गति के साथ मौन पठन करना साइलेंट रीडिंग पठित सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जो आपने पढ़ा है उस पर भाषा विचार शैली की सराहना करना साहित्य के प्रति अभिरुचि का विकास करना साहित्य की विभिन्न विधाओं की प्रकृति के अनुसार पठन कौशल का विकास संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ भेदों की पहचान करना और सक्रिय शब्द भंडार की वृद्धि करना आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो तो होना ही चाहिए तभी तो फायदा है जब हम शब्दों को सिर्फ पढ़कर किताबों तक ही ना सीमित रखें पठित सामग्री के विभिन्न अंशों का परस्पर संबंध समझना पठित अनुच्छेदों के शीर्षक व उप शीर्षक उनको देना टाइटल एंड सब देना कविता के प्रमुख उत्पादन यथा तुक लय यति गति इंटोनेशन प्रोनाउंसिएशन उसका फ्लुएंसी ये सारी जो चीजें हैं इतना तो मुझे समझ में आ रहा है इन सब चीजों का ध्यान देना ठीक है लेखन कौशल लिपि के मान्य रूप का ही व्यवहार करना विराम चिन्हों का उपयोग प्रयोग करना उनकी अः राइट ये आपके पंचुएशन मार्क्स हैं प्रभावपूर्ण भाषा इफेक्टिव लैंग्वेज uh, लेखन शैली अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करना उपयुक्त अनुच्छेदों में बांट कर लिखना पैराग्राफ्स में प्रॉपर डिवाइड करके लिखना प्रार्थना पत्र निमंत्रण पत्र बधाई पत्र संवेदना पत्र ईमेल आदेश पत्र ओके एमएमएस आदि लिखना और विविध पत्रों को भरना फॉर्म्स जो है उनको भरना आना चाहिए सारे हर तरीके के फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स इनविटेशन लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर ईमेल राइटिंग ऑर्डर लेटर सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए ठीक है वो प्रॉपर विद प्रॉपर फॉर्मैट विविध स्रोतों डिफेंट विव डिफरेंट सोर्सेस से आवश्यक सामग्री एकत्र कर विषय पर निबंध लिखना अलग अलग सोर्सेस से नॉलेज इकट्ठी करके डेटा इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर निबंध लिखना मैं भी ऐसा लिख सकती ठीक है देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना और उन पर अपनी प्रकृतिया देना क्या आपने देखा है उसको वर्णन करे, करें एक्सप्लेन करें व्हाट इज योर प्रतिक्रिया ऑन दैट रेडी हिंदी की एक विधा से दूसरी विधा में रूपांतरण का भाषल ओके एक विधा से दूसरी विधा हिंदी की उसको कैसे रूपांतरित करेंगे समारोह और गोष्ठियों की सूचनाओं और प्रतिवेदन तैयार करना सार संक्षेप पिकरण एवं भावार्थ लिखना समरी लिखना उसका राइट उसका सेंट्रल आइडिया लिखना उसका भावार्थ उसका मीनिंग लिखना गद एवं पद अवतरणों की व्याख्या लिखना स्वानुभूत विचारों और भावनाओं को स्पष्ट सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना क्रमबद्धता सीरियल ऑर्गेनाइजेशन प्रकरण की एकता बनाए रखना लिखने में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी लाना अनावश्यक कांट छांट से बचते हुए सुपाठ्य लेखन कार्य करना दो भिन्न पाठों की पाठ्य वस्तु पर चिंतन करके उनके मध्य की संबंधता पर अपने विचार अभिव्यक्त करने में सक्षम होना रटे रटाए वाक्यों के स्थान पर नो रिगर्जिटेशन नो रोट लर्निंग अपनी अभिव्यक्ति अपनी जो उच्च चिंतन क्षमता वाले प्रश्नों पर सहजता से अपने विचार प्रकट करना जो आपके विचार हैं रटे रटाई यानी कि हेल्प बुक ले लिया उसमें जो आंसर लिखे हैं वो उठा के लिख दिए टीचर ने जो उत्तर बताया ना ना टीचर बताएगा अपने आप आप लिखेंगे अपने उसके अकॉर्डिंगली अभी थोड़ी रचनात्मक अभिव्यक्ति है इसके लिए एक अलग नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे पार्ट Too. So stay tuned. Keep watching, mentoring the mentors. Have a nice day.